एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केळकर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ जो कि महाराष्ट्र में है। आज मैं आपको मेंटल रिटार्डेशन के बारे में और कुछ जानकारी देने वाली हूँ। कुछ सेशंस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जो बच्चे ये फेस करते हैं और पेरेंट्स फेस करते हैं, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तीन चीज़ें हैं। एक तो है प्राइमरी प्रिवेंशन, फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन और तीसरा है टर्शरी मैनेजमेंट, मतलब टर्शरी केयर जो हम होने के बाद जो ले सकते हैं वो। तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, तो उसमें क्या किया जा सकता है, जैसे कि कॉजेस मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मंद बुद्धिपना दो कारणों के वजह से होता है, एक तो जेनेटिक और दूसरा है अक्वायर्ड, यानी कि कुछ चीज़ें हो जाती है बाद में। तो जेनेटिक जो कॉज है उसके बारे में एक ये किया जा सकता है कि हमारे देश में या फिर बाकी देशों में भी कॉन्सैंग्विनिटी, ये टर्म आपको अगर पता होगा तो इसका मतलब है कि करीब के रिश्तों में शादी होना, ये काफ़ी कॉमन है। कई रिलीजन्स में, कई कास्ट्स में ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं कि अपने बुआ के लड़की के साथ, बुआ के लड़के के साथ, या फिर ये जो करीब के रिश्तों में जो शादियाँ होती है, या फिर फर्स्ट या सेकेंड कजिन्स में जो आपके भाई बहन हैं, पर कज़िन जो भाई बहन है उनमें शादी होना बहुत कॉमन है। तो ये जो एक बात है, इसके वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। जो ऐसे शादियां होती है उनके जो बच्चे हैं उनमें जो प्रमाण है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ये स्टडीज़ के अनुसार मतलब जो नॉर्मल जो बाकी शादियाँ होती है जिनमें कोई रिश्ता नहीं है उनसे काफ़ी प्रमाण ज़्यादा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। तो ये अवेयरनेस अगर ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि करीब लोगों के बीच में शादी या रिश्ते के वजह से बच्चे में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी जो बात है प्राइमरी प्रिवेंशन में जो हम कर सकते हैं वो केयर लेना प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त और बच्चा पैदा होने के बाद के वक्त में जब वो छोटा होता है, तो इस दौरान में जो भी केयर लेनी चाहिए वो लेनी ही चाहिए, क्योंकि नहीं ली तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। तो प्रेगनेंसी के वक्त जब महिला प्रेग्नेंट है तभी उसका जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, वो प्रॉपर होना चाहिए। केयर होनी चाहिए कि वो कहीं गिरे ना, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसकी बहुत केयर लेनी चाहिए जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, इन्फेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं जिसके वजह से बाद में मंद बुद्धिपना हो सकता है, वो अवॉइड कर सकते हैं। डिलीवरी के वक्त प्रॉपर आप रजिस्टर करें, प्रेगनेंसी के दौरान आप डॉक्टर के पास रजिस्टर करें, आप प्लान करें समय से पहले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, और प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के वक्त जो केयर लेनी चाहिए वो प्रॉपर ले, और डिलीवरी के वक्त भी जो डॉक्टर बोले, जो डॉक्टर सलाह दे वो फॉलो करे। इस चीज़ के वजह से हम चांसेस कम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। तीसरी चीज़ है बच्चा पैदा होने के बाद उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो इस चीज़ का ख्याल रखे, और उसको कोई हेड इंजरी ना हो, ये वो कहीं गिरे ना। तो जो स्टार्टिंग के कुछ साल रहते हैं तभी बच्चा बहुत यहाँ वहाँ जाता है, भागता है, तो तभी ये माता पिताओं ने केयर लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं गिरे ना और उसको कोई सर पे इंजरी ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम प्राइमरी मतलब मंद बुद्धिपना होने से टाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर की तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब काफ़ी कई कारण होते हैं जो जिसके वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, पर अगर हम कुछ चीज़ें करें तो वो कम हो सकती है प्रॉब्लम। यानी कि अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी निकली है तो उनमें काफ़ी ब्लड टेस्ट रहती है, यूरिन टेस्ट रहती है, जिनमें कारण समझ में आता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों है। यानी कि थायराइड अगर कम होगा, थायराइड हार्मोन की मात्रा अगर कम होगी बच्चों में और वो कम ही रहती है, तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी परमानेंट हो जाती है। पर वो अगर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिटेक्ट किया कि इनको थायराइड की कमतरता है और उन्हें उनको अगर थायराइड की मेडिकेशंस टाइम पे मिली तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो जो
हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी कई कॉजेज़ है, फिनाइल कीटोन यूरिया ये एक और कॉज है जिसके वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो एक यूरिन टेस्ट होती है जो करने से हमें पता चल सकता है कि बच्चे को ये है और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये हुआ सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्शरी मैनेजमेंट जो है, जिन बच्चों में हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनकी जो केयर है वो कैसे ले, मतलब उनमें कई प्रॉब्लम्स आती है, डिप्रेशन हो सकता है, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो सकती है, तो उनका लाइफ अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर वो हम स्मूदन कैसे कर सकते हैं वो हमने देखना चाहिए। जो भी उनको वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। उनको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, जिनका जितना उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है तो वो आप करवा सकते हैं उनसे। और बाकी चीज़ें रहती है, पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनका मानसिक संतुलन संभालना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स ने भी काउंसलिंग आप ले सकते हैं जिनको जिनके बच्चों में प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ें साइकेट्रिस्ट्स काफ़ी फेस करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो आपको अगर ऐसा लगा कि कोई है जिनको ऐसी ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कीजिए। हम यहाँ अकोला में प्रैक्टिस करते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम आई या अगर कोई डाउट होगा तो। अगली वीडियोस में मैं और जानकारी आपको लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।